तो यार वेलकम बैक गाइस। आईपीएल 2019 को लेके एक बहुत ही बड़ी खबर आई थी दोपहर में आज, तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज़ कर दिया है मिचेल स्टार्क को। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। बाय द वे गाइस, आज के इस वीडियो के बारे में हम बात करें तो आईपीएल ऑक्शंस में बहुत सारे खिलाड़ी बिकते हैं और बहुत सारे खिलाड़ी अनसोल्ड रह जाते हैं। तो हम यही देखने वाले हैं कि 2019 के आईपीएल ऑक्शंस में आखिरकार वो कौन से पाँच भारतीय खिलाड़ी हैं जो नहीं बिकेंगे, जिनको कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा। गाइज अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, पूरा वीडियो देखना कहीं मत जाना। चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं वरुण एरॉन की। वरुण एरॉन 2016-2015 में एक टाइम था इनका जब वो आरसीबी की तरफ से खेलते थे और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देते थे। विराट कोहली भी इनको हर मैच में खिलाते थे। पर अब 2017 में किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते थे, उसमें भी हालांकि इन्होंने 6 मैच में अराउंड 7 विकेट्स लिए थे, जो ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस था। पर अब 2018 के आईपीएल ऑक्शन में इनको कोई भी खरीदार नहीं मिला था। 2018 के आईपीएल ऑक्शन में ये अनसोल्ड रहे थे, तो अब 2019 के आईपीएल ऑक्शन में देखना होगा। इनको कोई भी खरीदार नहीं मिल सकता है क्योंकि इनका फॉर्म बहुत ही गंदा चल रहा है। एक टाइम था जब इनका भारतीय टीम में भी सिलेक्शन हो गया था, ओडीआई और टेस्ट में भी सिलेक्शन हुआ था, इंडिया की तरफ से इन्होंने अपना प्रदर्शन दिया था। पर अब इनका टाइम नहीं रहा है, ये सब बात पुरानी हो चुकी है, अब इनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। दूसरे नंबर पे बात करें तो मनोज तिवारी 2018 के आईपीएल में खेलते थे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम से, जहां उनका परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा था। अराउंड 5 मैचों में उन्होंने सिर्फ 47 रन्स ही मारे थे, जो बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस था। एज अ पार्ट टाइम बॉलर भी कभी कभी ये बॉलिंग करते थे। 2016-2017 में ये खेलते थे राइजिंग पुणे सुपर जाइंट्स की टीम से, उसमें इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, जिसके चलते 2018 में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने इनको खरीदा था। पर इनका फॉर्म गिरते जा रहा था 2018 में, इसीलिए इनको अब 2019 के ऑक्शन में कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2018 में अब पंजाब की टीम इनको रिलीज़ करने वाली है और 2019 में कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा इनको भी। तीसरे नंबर पर यार बात करते हैं नमन ओझा की। नमन ओझा 2018 के आईपीएल में खेलते थे दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम से, जहां इनको सिर्फ एक ही मैच में मौका मिला था और वो मैच में भी इन्होंने सिर्फ एक ही रन बनाया था। तो गाइस इनको ज़्यादा मौका तो नहीं मिला, पर इसके पहले वो हैदराबाद की टीम से भी खेलते थे, जहाँ पे इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था और हैदराबाद के लिए इन्होंने कुछ मैच विनिंग नॉक्स भी खेली है। पर पिछले सीज़न में इनका फॉर्म बहुत ही गिर गया था, और पिछले 2-3 साल की बात ही कर ले तो इनका फॉर्म नहीं आ रहा है, तो 2019 में भी इनको भी कोई भी खरीदार नहीं मिलने वाला है। फिर चौथे नंबर पर बात करते हैं मुरली विजय की। मुरली विजय अभी हाल फिलहाल में टीम इंडिया की ODI और T20 स्क्वाड में कभी भी नहीं पिक किए जाते हैं। टीम इंडिया की टेस्ट स्क्वाड में उनको भी ऊपर नीचे करा जाता है, वो कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते हैं। तो एज अ टेस्ट प्लेयर वो इंडिया के अब रह गए हैं, इसीलिए 2019 के ऑक्शन में इनको कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा। 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से खेलते थे, इनको एक ही मैच खेला गया था और सिर्फ वो मैच में इन्होंने 12 रन मारे थे, तो इनका फॉर्म भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो मुरली विजय को भी 2019 के ऑक्शन में कोई भी खरीदार नहीं मिलने वाला है। दोस्तों पांचवें और आखिरी खिलाड़ी की बात करते हैं, वो है पवन नेगी। 2018 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम से खेलते थे, विराट के अंडर में ये खेलते थे, पर इस टाइम उनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला था। 2018 के आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आया था। पहले बात करें तो 2015-2016 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जब ये महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेलते थे तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देते थे। एक समय इनको कहा जा रहा था कि ये इंडियन टीम में एक परफेक्ट स्पॉट बना सकते हैं, एक फिक्स स्पॉट बना सकते हैं, पर अब स्थिति ऐसी आ गई है कि इनको आईपीएल में भी कोई खरीदार नहीं मिलने वाला है 2019 में, और ज़रूर से ज़रूर आरसीबी इनको रिलीज़ करने वाली है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमने देख लिया कौन से पांच भारतीय खिलाड़ी हैं जो नहीं बिक सकते इस ऑक्शन में। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना। एक बात आपको मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि 16 नवंबर को आने वाली है एक लिस्ट, जिसमें सारे प्लेयर्स के नाम आ जाएंगे जो अपनी अपनी फ्रेंचाइजी से रिलीज़ होने वाले हैं। तो 16 नवंबर तक का वेट करना, बहुत ही अच्छी वीडियो आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर अभी तो कर दो। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।